नमस्कार दोस्तों, आत्मा बनकर जीना सीखिए, मन बनकर नहीं। जब आप आत्मा बनकर जीते हो ना, तब आप इंसान बनकर जीते हो। जब आप मन बनकर जीते हो, तब आप शैतान बनकर जीते हो, परेशान बनकर जीते हो, हैवान बनकर जीते हो। तो क्या है, आपको ये प्रैक्टिकली समझ लेना चाहिए कि या तो हम मन में जी सकते हैं या तो फिर हम आत्मा में जी सकते हैं। आत्मा में जीना बहुत ज़्यादा आसान है, आप यकीन मानो, बहुत ही ज़्यादा आसान, जरा भी मुश्किल नहीं। तो थोड़ी सी बातें करेंगे, शायद आपकी समझ आ जाए। तो देखिए, हम क्या है बेसिकली, हम एग्जैक्टली हम हैं क्या? हम तो सोल ही है ना, आत्मा ही है, हम मन नहीं हैं। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है बहुत सारे विचार। विचार कहाँ से आए? दूसरी जगह से आए। हम जिन्हें बोलते ना ये हमारे विचार हैं, तो वो हमारे विचार नहीं होते, वो दूसरों के विचार ही होते हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख लोगे तो आप फिर किसी को फ़ोन करोगे, किसी दोस्त से बातें करोगे, तो आप क्या है, मेरे जो विचार हैं उनकी क्रीम पॉलिश करके किसी दूसरे को बताओगे। थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है ना, जो मैंने बोला हो बहु ये दूसरे को बताने जाओगे तो कुछ फ़र्क आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये मेरे विचार हैं, मेरे कोई विचार विचार होते ही नहीं, सब दूसरों के विचार होते हैं। विचार सड़े हुए अचार की तरह होते हैं, विचार हमेशा उधार के ही होते हैं। हमारा अपना क्या विचार है? हम तो निर्विचार हैं, अंदर से हम निर्विचार हैं। वेयर देयर इज़ नो थॉट, हम वहाँ रहते हैं, हम वो हैं जिसके अंदर कोई भी विचार नहीं है, निर्विचार चैतन्य। यही आत्मा का असली अनुभव है। तो आत्मा बनकर जीने की कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूँ। जैसे आपका मन दुखी है तो आप क्या बोलो? मेरा मन दुखी है, मेरा मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ। आपको गुस्सा आ रहा है? मेरे मन को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आपको इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है? मेरे मन को चिड़चिड़ाहट हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। आप डिप्रेशन में हो? मेरा मन डिप्रेशन में, मैं नहीं हूँ। मैं कैसे डिप्रेशन में हो सकता हूँ? आत्मा कैसे डिप्रेशन में होती है? हो ही नहीं सकती। आत्मा तो एक प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है जो न दिखती है, जिसे आप सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो आर पार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, निराकार चेतना आप वो हो। आपका कोई आकार नहीं, ये जो शरीर है ये खोल है, इसके अंदर वो विराजमान है, लेकिन वो अंदर भी है और बाहर भी है, पल भर में यहाँ और पल भर में न जाने कहाँ। वो जब इस शरीर को छोड़ जाती है तो न जाने कहाँ चली जाती है, लेकिन वो जो अंदर है वो निराकार है, उसका कोई शेप नहीं है, अनशेप्ड है वो, कोई उसका आकार हो भी नहीं सकता। वो तो जिसमें समाती है उसी में, उसी के जैसी बन जाती है, वही बन जाती है। जैसे पशु पक्षियों में समाई तो पशु पक्षी बन गई, पेड़ पौधों में समाई तो पेड़ पौधे बन गई, स्त्री में समाई तो स्त्री, पुरुष में समाई तो पुरुष। जिसमें आत्मा समाई वो वही बन जाती है। जैसे पानी को जिस चीज़ में डालो पानी वही बन जाता है। जैसे एक बॉटल में आप पानी डाल दो और उसको फ्रिज में रख दो और बॉटल को काट दो और पानी निकालो तो बर्फ़ की बॉटल दिखाई देगी ना, आपने देखो ना बर्फ़ के खिलौने बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही पानी, पानी कोई आकार थोड़ी है, उसे नदियों में बहाओ, उसे भाप बनाकर हवा में उड़ा दो, वही पानी बादल बनकर आसमान में उड़ता है तो पानी। तो आत्मा का कोई रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है, वो तो निर्विचार है, उसके अंदर कोई भी विचार नहीं है। तो जो भी विचार उठे, समझो बहुत सारे मन में विचार उठ रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है? ये विचार मन में उठ रहे हैं, मुझ में नहीं, मैं तो एकदम शांत, मैं तो एकदम मौन हूँ, मैं तो एकदम साइलेंस में हूँ। पता है आपको, हम लोग 24 घंटे साइलेंस में ही रहते हैं, शोर तो मन में मचता रहता है। अब क्योंकि हम उसमें एंगेज हो जाते हैं, हमें क्या सबसे बड़ा धोखा है कि हम मन हैं और बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं और शरीर में बड़ा तनाव पैदा किए रहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप आत्मा में आ जाते हो तो स्माइल अपने आप ही आ जाती है,
चेहरे पर नूर अपने आप टपकने लगता है, अब अपने आप ही प्रसन्न चित्त रहने लगते हो, अब आप अपने आप ही आनंद में रहने लगते हो। बाहर कुछ भी हो रहा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और सच पूछो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अकेले बिल्कुल सफिशिएंट हो, परिपूर्ण हो, अपूर्ण थोड़ी हो। तो प्रैक्टिस करके देखना, दुख मुझे नहीं मेरे मन को हो रहा है, मैं तो एकदम निश्चिंत आजाद हूँ। गुस्सा मुझे नहीं मेरे मन को आ रहा है, मैं तो एकदम शांत साइलेंट और मौन हूँ। तो आत्मा बनकर जीकर देखो, मन बनकर नहीं। कोशिश करिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बशर्ते बात समझ में आ जाए। मुझे लगता है मेरे वीडियो ज़रूर गाइड करते होंगे आपको। अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपके बेहतरीन कमेंट्स के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान, आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।